है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। धीरे धीरे भी बोलते हैं तो भी उतनी ही आवाज तक पहुंच जाती है। हाँ लोगों, ये सब लोगों को सुनने में आ रहा है, बहुत धीरे से बोल रहा हूँ, इसलिए आप बोल रहे हैं भले ही, लेकिन कान तो आपके नहीं है, इनके हैं, इनको अभी सुनना है, इसलिए। अच्छा, आज वैराग की मूर्ति आपके सामने, घर के जो कोई भी संबंध थे, पूर्ववासी लोगों का कोई संबंध था, इन सब समूह का संबंध समाप्त। अब कोई भी मोबाइल का नंबर नहीं रहेगा, आप लोग उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार करना चाहें तो नमोस्तु के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपकी वो देखेंगे भी नहीं, वो कैसे महाराज दीक्षित तो हो गए, किंतु हम लोगों के लिए थोड़े बहुत तो आशीर्वाद वगैरह दे, नहीं वह बाद की बात है। जब तक इनकी साधना चलेगी तब तक आप लोगों ने किसी से वो भूलेंगे ही नहीं, उनकी साधना अखंड साधना है, हम उसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। उनकी क्षमता उन्हीं के पास विद्यमान है, उनकी हर साधना एक प्रकार से हम लोग न पूछे उनसे, किंतु देखने का तो हमें सौभाग्य मिल सकता है। और इस प्रकार देव भी और देव के मंडली भी आदि आदि सब इनके पास अब केवल आहारचर्या के लिए ही आएंगे, और बाकी समय में ये कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कितने दिन तक रहेंगे, ये सब कुछ बात उन्हीं तक सीमित है। इंद्र को भी वह नहीं मालूम पड़ता, इंद्र के साथ भी संपर्क उनका टूट गया है। उनके पुण्य से भले ही इंद्र के सिंहासन आदि कंपायमान हो सकते हैं, किंतु वह तो अपनी तरफ से कोई संकेत नहीं देंगे। इस संकेत के बिना काम चलाना ये महान वीर पुरुषों के पास ही क्षमता रहती है। आप थोड़ी देर के लिए मौन धारण करके बैठ जाओ, अपने आप ही मन में आकुलता पैदा होगी, या आए हैं तो क्यों आए हैं, हमसे क्या चाहते हैं, हमसे कुछ चाहते हैं क्या, नहीं हम इनसे कुछ बोल बात तो कर लें, आदि आदि आप लोगों के मन में संकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं। इनको यह किसी भी प्रकार से संकल्प विकल्पों से भी मुक्त हो करके ये अब कब तक रहेंगे, जब तक कैवल्य की उपलब्धि दीक्षित होते ही चार ज्ञान हो गए। पहले दिन तीन ज्ञान तो थे ही, मति ज्ञान, सूत्र ज्ञान, अवधि ज्ञान, और इसमें अंतर मुहूर्त लगा नहीं। आप लोगों के मन में क्या है वो सारा का सारा उनके पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन किसी के भी मन के बारे में ये क्या जान रहे हैं, ये विकल्प उनके पास है ही नहीं। जब कल आहार के लिए उठेंगे उस समय आप लोगों की बातें सब उनको ज्ञात हो सकती है, लेकिन
आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी, इतना पर्याप्त होगा। बाद में और कुछ भी वो करेंगे नहीं। अवधि ज्ञान का प्रयोग, मनफरी ज्ञान का प्रयोग करके आपके बारे में वो सोचेंगे नहीं। फिर किस काम का? काम का, ये तप का एक वैभव है, उन्हें प्राप्त हो गया। जो प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी होता है, पुरस्कार अधिक दे देते हैं और अवार्ड मिल जाता उन्हें, किंतु कहाँ रखना, क्या रखना, उसकी बात नहीं। आगे की कक्षाओं में मुझे इससे भी आगे जानना है। इसी प्रकार यह इनका भी केवल ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक इनका चार ज्ञान के बारे में कोई भी उन्हें विकल्प नहीं रहता। मतलब ज्ञान अच्छा है, केवली है, श्रुति ज्ञान भी है उनके पास, केवली है, द्रव्य भी है, और भाव के लिए जो कि अंतर मुहूर्त के उपरांत उनका होता रहता है, निर्विकल्प समाधि उनकी चलती रहती है, सिद्धोपयोग की प्रणाली उनके पास जासी बन करके रहती है, उनके लिए उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान के सामने अथवा संयम लब्धि स्थानों के अंतिम छोर तक जब तक वह नहीं जाते, तब तक के लिए वे किसी की भी कामना और किसी का भी वहाँ प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। आप लोगों में अथवा हम लोगों में कितनी आकुलता बनी रहती है भगवान जानते हैं, लेकिन वो जानने के विकल्प नहीं करते हैं। इसी का नाम साधना है। हम लोग कोई व्रत देते हैं, सब लोगों को बता देते हैं, लेकिन बताने की बात है ही नहीं। अपने ही परिणामों में हम अपनी परीक्षा के लिए समय पर कोई भी पाबंदी ले करके बैठ जाए और उसको बढ़ाने का उपक्रम भी करते रहे, तो उत्साह बढ़ जाता है और उससे धैर्य आ जाता है कि हम इस प्रकार अपने नियमों को अवधि की अपेक्षा से बढ़ा सकते हैं। इससे संकल्प विकल्प छूट जाते हैं और धैर्य इस प्रकार बढ़ता जाता है। और भी मैं कर सकता हूँ। अपनी मन वचन काय की चेष्टा भी उनको सीमित करते हैं और इन शक्तियों को वह अपव्यय के रूप में कभी भी काम में नहीं लेते हैं। वो रखा रहता है, खर्च करने का भी कोई जेब खर्च वगैरह आपको होते ही ना, वो उनके पास कुछ भी नहीं, एक तिलतुस मात्र भी वो अपने पास रखे नहीं। उनके पास नग्न काया के सिवाय और कुछ भी नहीं है और उनको कुछ चाहिए भी नहीं। आप लोग कल देखेंगे, अब ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आखिर आप आए क्यों आज? इस प्रकार आप कह सकते हैं, लेकिन वह छान रहे हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन वैसे नहीं पूछेंगे। वो कौन यहाँ पर भक्ति करता है? नवदा भक्ति, उसी के यहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं किसी पर मालूम ही नहीं है नवदा भक्ति क्या होती है। गाँव में जाते हैं तो कभी कभी छोटे गाँवों में कोई भी भैया हमारे लिए थोड़ा सहयोग देने के लिए आओ, हमारी कोई गलती ना हो जाए, नहीं समझे? इसलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और नवदा भक्ति, आजल शुद्ध है आदि आदि जो पूजन भी होते हैं, गंधोदक लेना भी होता है, उच्च से उच्च आसन पर देना भी होता है, ये सारे आप लोग करते हैं और उनमें कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। हम इसलिए आप लोगों को संकेत दे देते हैं,
गीता के आगे आप लोगों की गलती ना हो, लेकिन वह उनके पास इतनी भी दया नहीं है क्या? हम फिर कैसे करेंगे? आपकी चिंता उनको है ही नहीं। अभी जब वो केवल ज्ञान से युक्त हो जाएंगे तुमको बताएंगे, तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना है, फिर देव लोग भी आकर के आपको सहयोग देंगे। इस प्रकार ये धर्म ध्यान की बात आज कुछ भी नहीं करते, भीतर अपने आप में वे रहते हैं। शुक्ल ध्यान वे अभी नहीं करते, किंतु वे धर्म ध्यान से ही काम लेते हैं, क्योंकि शुक्ल ध्यान एक बार लेते हैं पुनः भोग उस श्रेणी से गिरते नहीं है। इसलिए बिना सप्लीमेंट्री के जैसे विद्यार्थी का परीक्षा का काल निकलता है, उसी प्रकार उनका धर्म ध्यान को ही बढ़ाते बढ़ाते चले जाते हैं और श्रेणी में जब चढ़ते हैं तो फिर बाद में वह उससे उतरते नहीं है। नशे ने लगाओ और नशे से चढ़ाते चढ़ते चले जाओ, पुनः नीचे उतरने की बात नहीं है। एक बार वह निर्वाण में पंचम कल्याण है, उसमें वह संपन्न हो जाते हैं तो नीचे नहीं आते हैं। ऐसी इनकी साधना है और ऐसा इनका एक प्रकार से इस साधना के साथ साथ वह अंतर्दृष्टि रखते हुए अपने आप को संभालते रहते हैं। यद्यपि उनको प्रमाण की घड़ी आती है, लेकिन उनकी प्रमाण की घड़ी जब आती है वो किसी को मालूम नहीं रहता कि प्रमाण की घड़ी आ गई। फिर कैसे क्या क्या होगा? जिस समय भी आहार के लिए आप यहाँ आएंगे उस समय अवश्य मालूम पड़ेगा आप लोगों को ये प्रमाण की घड़ी है, ये यहाँ पर आए हैं आहार के लिए आए हैं। कैसे लेंगे क्या लेंगे वह आपको भी बताते नहीं और स्वयं और किसी से वो कहते भी नहीं। एकमात्र शांति के साथ उनकी चर्या होती है। ये कितने काल तक, ये 1000 वर्ष तक इनकी तप साधना चलती रहती है और 6 महीने में एक बार इनका संकल्प रहता है मैं आर के लिए उठूं। चातुर्मास में नहीं उठे, 2 महीने और हो जाए तो भी नहीं उठेंगे, किंतु 6 महीने के बाद एक बार आहार के लिए आदि सागर महाराज जी उठेंगे। 1000 वर्ष तक मतलब 2000 बार आहार कम से कम उनके हो जाते हैं। नहीं समझे, अच्छे हैं उनको बुला लिया जाए और यहाँ पर चातुर्मास करा लिया जाए। वो सब रिद्धिधारी रहते हैं, जहाँ कहीं भी जाना आना उनके लिए कोई दोष नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आप वाहन ले जाना चाहिए तो ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जब तक अनुमति नहीं मिलती तब तक उस बॉर्डर को आप लांग नहीं सकते। किंतु इनका कैसा है इन वाहन, ये कहीं भी चले जा ढाई मिनट में, अथवा यूं कह दो भारत वर्ष जितना लंबा चौड़ा है वहां पर ये जा सकते हैं, इनका ये नियम है। इस प्रकार नियम का पालन करने वाला अकृत्रिम चैतन्य वगैरह कहीं भी इनको इष्ट नहीं है। और बहुत ऐसे स्थान है कि अगम्य स्थान वहाँ पर भी जा करके ये अपनी तपस्या करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है ये अहिंसा के पुजारी है, और किसी की पुजारी ये नहीं है, किंतु इनको अहिंसा की देवता हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक
सब जीवों का संरक्षण करना, चलेंगे नीचे देख करके चलेंगे, बैठेंगे वहाँ निर्जीव जत्वों के स्थान में ही बैठेंगे, बैठते हैं लेकिन इतनी सावधानी रखते हैं उनसे कोई एक भी क्षुद्र प्राणी प्राणांत को प्राप्त नहीं होता, यानी वह मरता नहीं, उसका वध नहीं होता। आप सोचिए आप लोगों की चर्या में, हम लोगों की चर्या में और उनकी चर्या में कितना अंतर रहता है। एक केवल ज्ञान को छोड़ करके उनके पास 63 रिद्धियाँ अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, ऐसी इनकी साधना है। जो ही उन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया क्यों ही उनमें सब रिद्धियाँ आसमान में जाने आने का उनके पास सब प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन वो उसका वो उपयोग नहीं करते हैं। उपयोग करने में एक प्रकार से उतावलापन होता है। वह हम तुम व्यक्तियों के मन की बात है, वह किसी भी प्रकार से लगाव नहीं रखते, अपने अर्थियों के बारे में कभी भी सोचते नहीं है। रस्ते हो गए होंगे, इसमें कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार उनकी चर्या, उनका साधन, उनकी आराधन अभी यहाँ पर दीक्षित हो गए, वो स्वयं दीक्षित हुए। हम नहीं दे सकते दीक्षा, किंतु हम तो उनकी दीक्षा देखने के लिए आए हैं। हाँ, अब ये कहना पड़ता है कि वे स्वयं दीक्षित हैं। दीक्षित इसलिए है, बिंब की बात ही है, इसलिए तो हमने अपनी तरफ से किया। लेकिन वे किसी के लिए भी बुलाते नहीं और उनसे इच्छा कुछ भी नहीं रखते। ऐसे अहिंसा के पालक, सत्य धर्म का पालक, पांच प्रकार के जो पाप है उनमें से एक भी पाप उनके द्वारा होता नहीं है। घर में सब कुछ था, जब चाहें जब हुआ जितना चाहें, किंतु यहाँ पर उन सब आवश्यक वस्तुओं के यहाँ पर खूब चारों ओर लेने के लिए आग्रह करते रहते हैं, किंतु उस तरफ वो आँख उठा करके देखता तक नहीं है। ऐसी चर्या को देखने से हमें तो अपने आँखों में पानी आ जाता है, और आप लोगों के लिए भी हम यही कहते हैं, पानी आना आँखों में ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम अपने आप के लघुत्व का प्रकर्षण कर रहे हैं। हमारा लघुत्व कहीं खटक न जाए, हमें गर्व न आ जाए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, एकमात्र हम मान रहे हैं कि हम भी बहुत कुछ हैं, बहुत भी नहीं और कुछ भी नहीं। हमारा यह अभिमान मात्र सता रहा है, स्व को भी और पर को भी। आप अभिमान मत किया करो, किसी को देख करके आप अपमान मान करेंगे, गर्व करेंगे तो उनको दुख होता है, इसलिए हमारे निमित्त से उनका अपमान न हो, किसी का भी अपमान न हो, किसी के मूल्य में कमी न आ जाए, ऐसे भाव हमेशा बनाए रखा करो। मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा कभी भी मन में नहीं आए तो उस व्यक्ति का बहुत ही आगे का काल बहुत सुंदर बनने वाला है। लेकिन ये बहुत कठिन है, सुन रहे हो आप लोग, हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ होते हुए भी अपने बड़प्पन दिखाना नहीं चाहिए, और हमें कोई पूछता ही नहीं, महाराज के लिए खूब पूछते हैं। देखो सुनो,
आपको पूछेगा कोई क्या उनके पास आप जैसा नहीं है क्या, तो क्या पूछे जाए। हाँ ये बात अलग है, आपको को आवश्यकता है तो विनय अनुनय के साथ उस वस्तु को मांगी जा सकती है। यदि वो देना चाहे तो दे, हम तो आपके पास आए हैं और आपने हमारे वो देखा तक नहीं, भैया हम यही करना 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 चाहने के लिए बैठे हैं, हम तो अपने काम कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए देख लो, इस प्रकार वह कह सकता है, ये भी आपका पुण्य का उदय हो। तो इस प्रकार पांचों पापों का त्याग करने के उपरांत उनका मन इतना हल्का हुआ जाता है। महाराज वो वैसे पाप कहाँ कर रहे थे, पाप करने की बात नहीं कह रहे हैं, किंतु उनके संकल्प लेने के उपरांत संयम लब्धि स्थान आ जाता है। अभी यहाँ पर कई व्यक्तियों ने संकल्प लिए, संकल्प लेते हैं तो वहां पर गुण स्थान परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए संकल्प का बहुत मूल्य हुआ करता है। जिन्होंने आजीवन व्रत लिए हैं उनका वह अपने आप में, चाहे वह घर में रहें, बाहर रहें, दुकान में रहें, कहीं भी रहें, किंतु उनका निर्जला स्थान बढ़ता ही जाता है, उनका वह कर्मों की निर्जला रात दिन होती रहती है। जैसे कोई भी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो ये रूल है, नियम है, तुम्हारे 6 महीने में या 4 महीने में इतना पैसा वृद्धि को प्राप्त होगा, यदि मान लो 1,000 दिया जा रहा है तो 25 और ज़्यादा दिया जाएगा, 100 और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, तो ये बढ़ने का क्रम प्रति माह आपका चलता रहेगा। उसी प्रकार आप जिस चीज का त्याग करते हैं उसी समय से रात दिन उसके तरफ से कर्म निजरा होना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए उस कर्म निजरा को कोई रोकने के लिए आ जाए कभी भी रुकती नहीं और कभी भी उसको कोई लूट नहीं सकता है। ऐसा धन है, ऐसी बैंक की व्यवस्था है हमारे यहाँ, और उसमें यदि आप रखेंगे बैलेंस तो वह बढ़ती चली जाएगी। आप कितना आ गए देख लो, देखने कोई आवश्यकता नहीं, जब चाहे उसी समय आपके सामने संख्या आ जाएगी, ये आपका एकत्रित हुआ है, नहीं समझे और आगे बढ़ाना चाहो तो संकल्प ले लो, फिक्स करना चाहिए तो कर लो, पक्का करना चाहे तो कर लो। इस प्रकार यह आप संयम को एक बार लेते हैं वह बढ़त क्रम उसमें चलता रहता है, ऐसे संयमियों के साथ हमेशा रहने से हमारा उत्साह दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ता ही जाता है, बढ़ाते ही रहना चाहिए, नहीं तो घाटे का सवाल होता है, घाटा तो कोई चाहता नहीं है, वह बढ़ता ही चला जाए। उसी प्रकार हमें चारों तरफ देख करके अपने विकास करने का संकल्प हमेशा हमेशा बनाए रखना चाहिए। आज एक प्रकार से ये उपांत समय समझ लो, कल इतने समय में आपको प्रभु एक प्रकार से केवल ज्ञान से युक्त मिल जाएंगे। आप इस समय समूह चरण में आकर के बैठ जाएंगे और समूह चरण में प्रभु वह बहुत ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे और आपके लिए दर्शन पूजन आदि 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 सामने बैठे बैठे
सबको देखने में आएगा। हम आगे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चारों तरफ से उनके चतुर्मुखी अच्छे सामने आ जाएगा और इसके उपरांत करने पर तो सुबह देखोगे समोसरण भी बिखर जाएगा। यह है सवाल। इसलिए आप लोग बहुत ही चिंता के साथ, साधना के साथ अपने अगला जीवन कैसे बनना चाहिए इसको आप देखते रहिए, ताकि आपको किसी प्रकार से किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे टिकट खरीद लो, कहीं भी चले जाए वहाँ पर हमें देव गुरु शास्त्र का अवश्य ही समागम मिलता रहे। कहीं भी रुकना न पड़े। हाँ, ऐसी यदि मान लो विक्रियाँ आपको मिल गई, रिद्धियाँ मिल गई, तो कहीं भी किसी भी 170 कर्म भूमियाँ हो सकती हैं, तो 170 तीर्थंकर आपके लिए दर्शन लेना चाहें आप ले सकते हो। ऐसी रिद्धि आपको हो सकती है। विद्याधर लोग इसका पूर्ण लाभ लेते रहते हैं और आप यहीं पर बैठे बैठे रहेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके पास इतनी कुवत क्षमता नहीं है। क्षमता को बढ़ाओ, उस बढ़ाने से इस प्रकार के कार्य आप करने योग्य हो जाते हैं। और इस प्रकार यह संयम लब्धि स्थान घर में जब तक रहे तब तक उनको हुआ नहीं, और जो ही घर से बाहर आ गए और लोकांतिक देवों के द्वारा भी उन्हें संबोधन तो नहीं कर सकते हैं, किंतु उनकी प्रशंसा की गई है। लोकांतिक अन्यत्र कहीं भी जाते नहीं है, केवल जब 12 भावनाओं का चिंतन तीर्थंकर लोग करते हैं उस समय मात्र आ जाते हैं। और आपने ये कार्य बहुत अच्छा किया है, मैं भी यही चाहता हूँ, हम भी यही चाहते हैं और जल्दी जल्दी मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे तीर्थंकरों के चरणों में वो बालक बाल जो रिद्धिधारी रहते हैं उनको वहाँ पर रह करके भी देवर्षि कहते हैं। तीर्थंकरों को वहाँ पर देवर्षि नहीं कहा गया। कहीं कहीं पर होते हैं जो तीर्थंकर, वहाँ पर भी अभी नहीं हुए लेकिन वह बंद होता रहता है इस सपेक्षा, किंतु जब तक वह नीचे नहीं आते तब तक के लिए उन्हें यह पद मिलता नहीं है, केवल बंद होता रहता है। ऐसा यह तीर्थंकरों का अनुपम और अतुलनीय पद होता है। इसके नीचे ही सब कुछ पद होते हैं। ऐसे असंख्यात देवी देवता जिनके चरणों में बैठ करके साधना कर सकते हैं, करते रहते हैं। उन देवों को भी बार बार पीड़ा होती रहती है कि हे भगवान, आपके पास रह करके भी हम आपके अभी बालकी उठाने के लिए गए तो यहाँ के लोग हमारे लिए मना कर दिया, तो हम सोचते रहे इनको ये अभी कीलित कर दें, लेकिन ऑर्डर आ गया यहाँ पर ऐसा काम क्रिमिनल केस मत करवा करो, क्योंकि आपके लिए कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यह अधिकार केवल मनुष्यों को हुई है और चक्रवर्ती इत्यादि के लिए है।
वह भी एक प्रकार से जब तक तीर्थंकर नहीं बनते नहीं सही, लेकिन मुनि बनते हैं तो बन सकते हैं। लेकिन देव इतने भी सागरूप मायूर है तो भी वह देव संयमी नहीं बन सकते हैं। यहाँ तक कि वे देव संयमी श्रावक भी नहीं बन सकते हैं। फिर क्या बन सकते हैं? आस्था के धनी बन सकते हैं और भगवान की केवल नमस्तु करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। तांडव नृत्य तो कर सकते हैं लेकिन रत्न वृष्टि आप लोगों के ऊपर नहीं होगी, किंतु आप लोग रत्न वृष्टि करा सकते हो, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो श्रावकों का भी कितना पुण्य होगा देख लो, कि इनके यहाँ महाराज जी का आहार हुआ तो वह रत्नों की वृष्टि होगी। कौन करेंगे? देवलोक करेंगे, लेकिन अपने विमान के ऊपर क्यों नहीं होगी? वो उनके लिए नहीं है रत्नों की राशि, ये केवल उन मुनि महाराजों के लिए। और वो मुनि महाराज उनमें से एक भी रत्न उठा करके देखते नहीं, देखो हमारे लिए सारी राशि हुई है, हाथ भी नहीं लगा सकते। हाथ लगा दे तो सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि आप रखने के लिए नहीं आए हो, ये केवल लब्धि स्थानों का चमत्कार है। तब ज्ञात होता है संसार में जितने भी धन वैभव से कमी रखते हैं उनके लिए भी यह राशि दी जाती है अथवा वो ली जाती है। कोई कुछ भी यहाँ उन तीर्थंकरों के वहाँ पर माता पिताओं में रहने के कारण ऐसा होता है, लेकिन हमेशा हमेशा नहीं हो सकता। अब वहाँ पर रत्न वृष्टि न हो करके जहाँ पर तीर्थंकर जाते हैं जिनके घर में आहार होता है वहाँ पर तो रत्न वृष्टि होगी, किंतु मरुदेवी और नाभिराय उनके यहाँ पर जा करके कोई भी वर्षा नहीं, क्योंकि उसी समय के लिए वो था। और उससे आज जो घर छोड़ करके आए तो बस आज किसी के भी वो नहीं रहे, इतना अवश्य है हम पास जा करके उनको नमस्तु कर सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं दूर से ही करा करो, क्योंकि हमें कहा गया है व्यवस्था हम करेंगे। अब आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, कल तो हम अपने हाथ में लेंगे, कोई भी चौका में कोई भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं करेगा, करके देख लो क्या होता, पकड़ में आओगे। हाँ, क्योंकि बहुत एकांत में और बहुत सावधानी के साथ उनका आहार कि एक वर्ष के बाद हो रहा होगा, तो उस समय आप देखेंगे क्या वैचित्र है। फिर आप लोग उसमें ये कई दिन तक आहार ही नहीं करा पाए। अब देखो महाराज कौन सा कर्म का उदय हम कल बता देंगे आपको। हाँ, कि क्या होता है आप लोग अभी सीख चुके हो इसलिए ज्ञात नहीं। जब ज्ञात नहीं था उस समय कैसा, कितनी बार आए और चले गए जी, आप लोगों को याद भी नहीं। और आपकी आंखों में पानी इसलिए नहीं आया कि ज्ञात ही नहीं हो रहा वो क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं, किसी को पूछा नहीं आया। जब पूछेंगे तब जो है श्रेयांश राजा कहेंगे भैया इसका राज अलग है, इसका भेद खुल जाएगा, कल बताएंगे हम, आज नहीं बता सकते, क्योंकि दो कार्य कल होना है आज नहीं कर सकते।
इस प्रकार आप उनके समोसरण में जाकर के ये सारे सारे लाभ ले सकते हैं। समय हो गया है, हमने सुबह बहुत कुछ कार्य कर लिए थे, इसलिए आज आप लोगों के लिए आधा घंटा पौन घंटे का जितना भी दिया है उसमें आप संतुष्ट हो जाएं और कल का भी एक कार्यक्रम पूर्ण हो जाए, ताकि यहाँ निर्विघ्न और सानंद ये कार्य संपन्न पंच कल्याण का हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत श्री